एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी वैसे कैंडिडेट के लिए है जो किसी न किसी कारणवश से डिग्री पार्ट वन के एग्जाम में प्रमोटेड या फेल कर चुके हैं, तो उनके लिए विश्वविद्यालय के द्वारा एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने की तिथि जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट डिग्री पार्ट वन में जो प्रमोटेड या फेल है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वो कब से कब तक कर सकते हैं, साथ में उनके जो फॉर्म में सुधार करने की तिथि है वो क्या बताई गई है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबसे पहले देखिए, मेरे पास विश्वविद्यालय के द्वारा जो जारी नोटिफिकेशन है वो है, ठीक है। इसमें जो बताया गया है, सबसे पहले बताया यह गया है कि जिस भी कैंडिडेट का सेशन 2020 से 23 है, 21 से 24 है और 22 से 25 है, वो पार्ट वन के एग्जाम दिए थे, किसी कारण से प्रमोटेड या फेल कर गए हैं, तो उनको अब विश्वविद्यालय के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करना है। अगर फेल वाले होंगे तो सभी सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना है, प्रमोटेड वाले होंगे तो उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करेंगे जिसमें आप प्रमोटेड हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है उसकी तिथि पहले दी गई है फॉर्म फिलअप करने की, सामान्य शुल्क के साथ 25/7/2024 तक दिया गया है। जब उसको 25 जुलाई 2024 तक सामान्य शुल्क के साथ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वही सामान्य विलम्ब शुल्क के साथ जो 30 रुपया लगता है उसके साथ 26/7/2024 से 31/7/2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये रही फॉर्म फिलअप करने की तिथि। आप लोगों को फॉर्म में अगर किसी प्रकार की गलतियां हो जाए तब आप उसे सुधार करा सकते हैं 2/8/2024 से 4/8/2024 अर्थात 2 अगस्त 2024 से 4 अगस्त 2024 तक, ये सुधार करने की तिथि है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिए हैं कि आप लोग अगर किसी कारण से सेशन 2020 से 23 वाले हो, 21 से 24 वाले हो या 22 से 25 वाले हो, पार्ट वन में प्रमोटेड या फेल हो चुके हैं, तब आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने की तिथि जारी कर दिया गया है, मैं फिलअप करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग अवश्य फिलअप कर लीजिएगा या lnmurizult.com के वेबसाइट से आप लोग अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं, या lnmu की जो वेबसाइट से वहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोगों के एग्जाम के बारे में जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिलहाल ये जानकारी आप लोग सभी तक शेयर कर दीजिए। और ये जानकारी मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे दे देता हूँ, स्क्रीन शॉट मार लीजिए और अपने से पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।